Hey, what's up guys? I'm Ashraf Khan and welcome to my YouTube channel. आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे नए GoPro Hero Action 5 कैमरे के बारे में. गाइज, मैंने ये परचेज तो नहीं किया है, ये मुझे गिफ्ट मिला है मेरे एक सब्सक्राइबर से और मैं इससे कर रहा हूँ अभी ब्लॉगिंग. जो लोग आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो सुन पा रहे हैं इस कैमरे की वजह से. तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्या मैंने एडिशनल परचेस किया है. और अगर आप GoPro Hero 5 एक्शन कैमरा परचेस करते हैं तो क्या आपको बॉक्स के अंदर कंटेंट देखने को मिल जाते हैं. अगर आप मोटो ब्लॉगिंग इस कैमरे के साथ करना चाहते हैं तो क्या आपको रिक्वायरमेंट है, तो क्या चीज़ें आपने परचेस करनी पड़ेंगी एडिशनल, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. और गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसा दिख रहा है मेरे हाथ में, तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ. आप यहाँ पे मिरर इफेक्ट की वजह से देख सकते हैं कि ये एक्चुअली कैसा दिख रहा है और क्या मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ. और वहाँ पे ये है मेरी YouTube की लाइट. GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग. ओके गाइस, तो बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट आपको देखने मिलते हैं. अगर आप बॉक्स ओपन करते हो तो बॉक्स के अंदर आपको इस तरह का कैमरा ऊपर ही देखने को मिल जाता है. इसको ओपन करना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा. आप अगर न्यू है GoPro में तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको ओपन किस तरह करना चाहिए. तो इसको इस तरह ओपन करना है. इसको ओपन करने के बाद आपने बस ये दोनों को प्रेस करना है. इसको प्रेस करने के बाद आपने इसको पीछे पुश करना है, ये कैमरा बाहर निकल के आ जाता है. ये तो हमारे कुछ काम का नहीं है. तो ये इस तरह का कैमरा आपको देखने मिलता है. कैमरे के बाद अगर आप बॉक्स को और ओपन करते हो तो कुछ इस तरह की आपको बुक्स और मतलब यूज़र गाइड वगैरह देखने मिल जाता है. आपको एक बैटरी अंदर मिल जाती है. आपको दो तरह के माउंट अंदर मिल जाते हैं. ये है फ्लैट माउंट और ये थोड़ा सा है वो कर्व है. ये जो है पूरा फ्लैट है और ये थोड़ा सा कर्व है. तो ये दो तरह के माउंट, अभी मैंने इसको यहाँ पे हेलमेट में यूज़ किया है तो दो तरह के माउंट आपको देखने मिल जाते हैं. बैटरी के अलावा आपको USB केबल टाइप सी आपको मिल जाता है. अगर आप इस तरह का कोई चीज़ आप परचेस करो तो आपको फिर आप इसमें इसको लगा के इसको चार्ज भी कर सकते हो. आपको बता दो किस तरह आपने करना है. उसके अलावा आपने इसको ओपन करने के लिए बस आपने यहाँ से इसको इस तरह करना है. इस तरह करने के बाद आपको यहाँ से ये बाहर निकल के आ जाता है. बाहर निकल के आने के बाद ये जो है इसका केस है. ये केस आपको बहुत ज़रूरी है. विदाउट ये केस ये कैमरा आप ऑपरेट नहीं कर सकते या फिर कहीं पे माउंट नहीं कर सकते. तो इसके बाद आप बटन से ऑन ऑफ कर सकते, ये बटन से शूट कर सकते हैं. और फिर आपको यहाँ पे एक और बटन देखने मिलता है. ये बटन से आप इसको ऑन कर सकते हैं. इसके अलावा आपको यहाँ पे इसको यहाँ से ओपन होता है. जिस तरह आपको इसको दबा के ओपन करना होता है तो आप यहाँ पे ये केबल वगैरह लगा सकते हैं जिससे आप चार्ज कर सकते हो और इसके अंदर का डेटा आप कॉपी कर सकते हैं. इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है एक और, यहाँ पे आप बैटरी को यहाँ पे आप लगा सकते हैं. बैटरी कुछ इस तरह से आपने लगानी है, इस तरह बैटरी लगानी है. इसके अलावा मैंने परचेस, ये सब आपको देखने मिल जाता है बॉक्स के अंदर. बॉक्स के अलावा मैंने क्या परचेस किया है मेरे ब्लॉगिंग सेटअप के लिए, तो ये जो है ट्राइपॉड, इसकी लिंक अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी. इसके अलावा इसके साथ ही में मुझे मिला है ये, जिसके वजह से मैं इसको माउंट कर सकता हूँ इसके अंदर और इस तरह मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे इसको माउंट करके इसको इसमें लगा के इस तरह से ये यूज़ कर सकता हूँ. इसके अलावा मुझे मिलता है इसके अंदर ये जो मोबाइल के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे मोबाइल आप माउंट कर सकते हैं और ये इसमें इसको इस तरह टाइप करने के लिए. बस इतना इसके अंदर देखने मिल जाता है. इसके अलावा मैंने परचेस किया है ये मुझे 700, ये जो है ये मुझे 799 मतलब टोटल 800 रुपीज़ का पड़ा. उसके अलावा मैंने ये परचेस किया है 64 GB का सैमसंग का SD कार्ड. इसके अंदर 64 GB का SD कार्ड यहाँ पे आता है और यहाँ पे एक अडाप्टर देखने को मिल जाता है. तो ये अडाप्टर आप लैपटॉप वगैरह में या दूसरे DSLR कैमराज में यूज़ करने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे इस कैमरे के अंदर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे यही SD कार्ड यूज़ होता है. तो इसको यहाँ पे डालने के लिए यहाँ से बस आपको इसके अंदर डालना है और डालने के बाद इसको बस ऐसे प्रेस करना है तो ये हो जाएगा रेडी. इसको आप बंद कर सकते हैं. इसके अलावा इसको ऑन करने के बाद हमने थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस ऑन करना है. ये हो गया ऑन. अब यहाँ पे आपको 4K में वीडियो मोड है. वीडियो के अलावा यहाँ पे आपको फोटो मोड है. फोटो मोड के अलावा आपको एक ब्रस्ट है. ब्रस्ट के अलावा यहाँ पे आपको देखने मिलता है टाइम लैप्स फोटो.
टाइम वीडियो, तो ये सर आप इसमें टाइम लैप्स वीडियो वगैरह भी शूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप मोबाइल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बोलूँ GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सी मैंने इसको बोला GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग और इसने शूटिंग करना स्टार्ट कर दी। अभी मैं इसको बोलूँगा GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, अगर मैं इसको बोला तो ये हो गया स्टॉप। GoPro टर्न ऑफ, बंद बोला तो अपने आप बंद हो गया। तो इसको आप वैसे वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सेटिंग देखने मिल जाती है इस सारी चीज़ों की। और यहाँ से आपको एक लेंस का गाइड मिलता है, इसके अलावा यहाँ से भी आपको डायरेक्शन मिलता है। आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये वीडियो ऑन है या नहीं, फोटो मोड है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से देखने मिल जाती है। तो गाइस ये था, अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे किसकी क्लियरिटी है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें खास है, वो देखने हमें बहुत बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं इसके अंदर क्या हमें देखने मिलता है। मैंने माउंट किया है अपने कैमरे को और अभी मैं देखने वाला हूँ इसका आउटडोर परफॉर्मेंस, और मैं बाइक पे जाने वाला हूँ, बाइक पे बैठ के मैं अब इसको शूट करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले देखते हैं इसका आउटडोर परफॉर्मेंस। तो मैंने इस तरह कुछ दिखाया आपको, किस तरह मैंने माउंट किया है, तो अभी देखते हैं कुछ आउटडोर परफॉर्मेंस, कितना आवाज़ है, कितना वॉइस है, क्या है वॉइस क्लैरिटी वगैरह, और कैसे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैं अपनी बाइक लेके जाने वाला हूँ और कुछ राइड्स हम करेंगे, तो देखेंगे क्या इसकी क्लैरिटी है, कितना एक्शन कैमरा किस क्वालिटी का है ये, तो चलो देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक लेकर एक छोटी सी राइड के लिए। तो यहाँ पे है मेरी बाइक, ये रही मेरी बाइक डोमिनार मैट ब्लैक। Okay guys, तो मतलब अभी मैं देखूंगा कि इसका आउटडोर परफॉर्मेंस कैसा है। अब ये क्लिप मैं जब जाके डालूंगा अपने पीसी में और वहाँ पे इसको देखूंगा तब पता अच्छे से पता चलेगा कि कैसा इसका साउंड परफॉर्मेंस है, कैसा इसकी चीज़ें हैं। और बाकी मोटो व्लॉगिंग के लिए मैं माइक वगैरह सेटअप परचेस करने वाला हूँ। यहाँ पर है ये मेरी प्यारी सी डोमिनार, काफ़ी प्यारी बाइक है और मैं काफ़ी इसके वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कि मैंने इसको क्यों परचेस किया, और मतलब काफ़ी जानदार बाइक ये है और काफ़ी मज़ा आता है ड्राइव करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ इस कैमरे की। तो कैसा है ऑडियो का क्वालिटी कैसा है, तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वीडियो का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आपने भी वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऑडियो के लिए मुझे सेकेंडरी माइक परचेस करना पड़ेगा। अगर मैं कहीं पे एक बंद रूम में इसको स्टेबल रखता हूँ, जैसे कि अभी मैं हूँ इसको स्टेबल रखता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी देगा मुझे ऑडियो का भी, नॉट बैड, अच्छा क्वालिटी है ऑडियो का। लेकिन बाहर अगर मैं जाता हूँ तो इस ऑडियो इस माइक के साथ, इंटरनल माइक के साथ थोड़ा सा मुश्किल है, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हिलाता हूँ या फिर थोड़ा सा भी शेक करता हूँ तो तभी आपको देखने मिलता है कि काफ़ी वॉइस हो रहा है, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा है। तो सेकेंडरी माइक परचेस करना कंपलसरी है, और मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो आप सब जानते हैं कि अडाप्टर वगैरह माइक वगैरह परचेस करना पड़ेगा, तो वो मैं जल्दी ही परचेस करने वाला हूँ। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करना मत भूलिएगा। और गाइज मेक श्योर आपका कमेंट, आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट में डाल दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उससे मुझे अपने वीडियोस में और अच्छी इम्प्रूवमेंट करने की मतलब मौका मिलेगा, एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
बस इतना ही, टेक केयर, बी सेफ, एंड मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में अगली बार. और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. बाय, लव यू ऑल गाइस. एंड एक्चुअली आई एम यूज टू इट ना, कि कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम. लेकिन ये मेरा चैनल कैरम का नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट. तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. ख्याल रखिए और खुश रहिए. बाय, लव यू ऑल गाइस. स्टॉप रिकॉर्डिंग.